हमने अपनी ही परंपराओं और संस्कृति को पिछड़ेपन की निशानी मान लिया, जबकि यही चीजें विदेशों में जाकर सुपरहिट हो गई, विदेशों में जाकर ट्रेंड कर रही हैं। प्राचीन काल से भारत में योग जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन भारतीयों ने इसे तब अपनाया जब योग योगा हो गया। अमेरिका में प्राणायाम की ट्रेनिंग के लिए लोग 182,000 रुपए तक दे रहे हैं और वहां पर योगा का बाजार लगभग 115,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह से भारत का हल्दी वाला दूध पश्चिमी देशों में पहुंचकर अब टर्मरिक लाटे बन गया है। इटालियन भाषा में लाटे का मतलब होता है दूध, यानी इसका मतलब भी वही है, हल्दी वाला दूध। तो हल्दी वाला दूध जब आपको यहां भारत में बताया जाएगा तो आप उसकी कद्र नहीं समझेंगे, लेकिन जब यह कहा जाएगा कि आप टर्मरिक लाटे पी लीजिए तो आप मुंह मांगा पैसा देकर उसे खरीदेंगे। और यह नाम भारत और पश्चिमी देशों के लोगों को बहुत फैशनेबल लगता है, लेकिन असली नाम यानी हल्दी वाला दूध किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन जैसे ही यह फैशनेबल होकर टर्मरिक लाटे बनता है तो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। आजकल भारत समेत कई देशों में आपको टर्मरिक लाटे आसानी से मिल जाएगा और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो इससे पहले आपको कॉफी बेचा करती थी अब अपने आउटलेट्स में टर्मरिक लाटे भी बेच रही हैं। ये अमेरिका और ब्रिटेन में एक लोकप्रिय ड्रिंक बन चुका है और वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया में हल्दी का बाजार 14,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होने की उम्मीद है। भारत के गांवों में टूथब्रश के बदले नीम के दांतों का प्रयोग अक्सर किया जाता है और वहां यह बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, लेकिन विदेशों में इसे च्यू स्टिक्स का नाम दिया गया है और इसकी कीमत 200 रुपए तक होती है। आपने अपने बुजुर्गों को अक्सर गांव में चारपाई का इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा। हमारे गांव में आज भी आपको चारपाइयां मिल जाएंगी। भारत में एक चारपाई की कीमत औसतन लगभग 500 रुपए के आसपास होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चारपाई 50,000 रुपए में बिक रही है और वहां इसे ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड के नाम से बेचा जा रहा है। हमारे देश में गौमूत्र को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। पेट संबंधी बीमारियों में आयुर्वेद गौमूत्र के सेवन की सलाह देता है और कई गंभीर बीमारियों में भी यह फायदेमंद होता है। और अब विदेशी कंपनियों ने इसी गौमूत्र के 7 पेटेंट्स हासिल कर लिए हैं। सिर्फ परंपराएं ही नहीं, पश्चिम में अब भारत की पूजा करने की पद्धति भी मशहूर होने लगी है। हमारे देश में पत्थरों की पूजा की जाती है, अब अमेरिका में इसकी नकल की गई है और वहां पर इसे ग्रेटिट्यूड रॉक का नाम दिया गया है। वहां के लोग इस पत्थर को प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम मान रहे हैं।